गुप्ता, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे खास मेहमान की वंदना से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। या कुंदेन्दु दशार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र विता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांच्युत शंकरा प्रीभीति भी देव सदा वंदिता, सामा सरस्वती। देखो इतना दौर जो गुजरा है और अभी ये जो 2000 चालू हुआ, बस भगवान से यही दुआ है कि ये आज से गुजर जाए, क्योंकि लास्ट ईयर वॉज सबके लिए बहुत दुखी की बात थी, लेकिन ये साल सब ठीक से निकल जाए पर से यही दुआ है। और कृष्णा चौहान ने मेरे साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ था, वो मेरे साथ काफी पुरानी दोस्ती है हमारी, पहले टाइम भी उसने बुलाया था लेकिन मैं कुछ बिजी होने के कारण आ नहीं सका था। मैंने जरूर बोला इस बार मैं जरूर आऊंगा और अपना आशीर्वाद जरूर आपको दूंगा। विश हिम ऑल द बेस्ट और दिल से हुआ है कि और तरक्की करे। उनको ये नहीं उम्मीद होती है कि मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, अगर मैं किसी की मदद करता हूँ तो मुझे पैसे चाहिए। वो काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा नेशन, हमारा सोसाइटी अच्छा हो। तो एक ऐसे शख्स हैं जिनको ये अवार्ड जाता है, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मिस्टर आशुतोष पांडे जी। ये बहुत बहुत बधाई आपको सर, आप ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें और नेशन के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्दों में बोलूंगी, बहुत ही बस दो वर्ड्स चलेगा। मैं फर्स्टली कृष्णा चौहान सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड इन मुंबई, वाराणसी, और मैं यहाँ पे काफी वर्क कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और खुश इसमें समझती हूँ कि मुझे आज ये फर्स्ट अवार्ड कृष्णा चौहान फाउंडेशन की तरफ से मिल रहा है। अ लॉट ऑफ थैंक्स, और आप सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और आप सभी ऐसे मुझे ब्लेसिंग्स देते रहे। मैं अपने सिंगिंग को ऐसे हमेशा जारी रखूं और बहुत दूरी तय करनी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सिद्धि विनायक ट्रॉफी एंड गिफ्ट से गणेश जी, प्लीज कम द स्टेज सर। आपका बनाया हुआ ट्रॉफी आज इस मंच से आपको ही मिला, जो आप अच्छा काम करते हैं, दैट्स व्हाई यू आर द बेस्ट ट्रॉफी मेकर ऑफ मुंबई। मैम, आप ऐसे ही समाज देश के लिए काम करती रहे, मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छे दिखते हैं सर। हम प्रदीप जैन बनारस से समाज सेवा हूँ मैं, जैसे बारासात से, और मैंने 3 मंदिर बनाए हुए, साईं बाबा जी का, शंकर जी का और सिद्धि जी का। हमारे बनार में वेस्ट में साईं बाबा का मंदिर जो बना हुआ है, हर गुरुवार को मैं वहां पे खाना खिला रहा हूँ गरीबों को, कम से नहीं से 8 साल से। वैसे बहुत से काम किया हुआ मैंने कोरोना समय पर, अभी एक ऐसा इवेंट करने जा रहा हूँ मैं जो कि अभी किसी किया हुआ नहीं है, ना मुंबई में ना इंडिया में क्या हुआ नहीं है, जो अभी मार्च के महीने में विचार किया मैंने, अभी कोरोना वापस आने से उसको पोस्टपोन किया मैंने अप्रैल के महीने में। ये ऐसा इवेंट है कि कोरोना के समय पर जो बच्चे, गरीब से गरीब बच्चा, उनका परिवार के माँ या बाप को उसमें बीमारी से मर गए, वो बच्चे की पढ़ाई की है उनके पास रुपया नहीं है, क्योंकि उनके माँ या बाप कौन है घर पर पढ़ाई के हिसाब से, बच्चे का भविष्य का खराब होने की उसमें
मैं ऐसे परिवार को 50 मेंबर परिवार को मैं 25,000 रुपया देने जा रहा हूं। मैं राजू डांस साहब एक फ्लैबैक सिंगर फॉर बॉलीवुड सर बम सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। रियली आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और खास करके कृष्णा जी को के आज मुझे रोड से नवाज किया। और सबसे अच्छी बात ये लग रही मुझे कि जिस हिसाब से आप लोगों ने इस अवार्ड को धैर्य से शांति से आप बैठ के जो भी आज का थोड़ा कुछ आर्टिस्ट कुछ ना आने की वजह से कुछ शूटिंग की वजह से, लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद फिर से दूंगा कि कृष्णा जी को आप सब लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए प्लीज जोरदार तालियां कृष्णा जी के लिए। आपका प्यार हमेशा कृष्णा जी के साथ बने रहना चाहिए। बॉलीवुड आइकनिक अवार्ड 2021 गोज टू ज़ेबा कैसी मैम जो कि प्लेबैक सिंगर है। ज़ेबा मैम उन्हें जो लग तो दुआ दे आपको हर रोज नई जिंदगी खुदा दे आपको एक खुशी की आरज़ू करें आप खुदा खुशियों का जहां दे आपको। वाकई आपने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट की है, अगर आप देखें आपकी फिल्मों को तो बहुत मजा आएगा। दिल से धन्यवाद। आइए आपको हम नेक्स्ट अवार्ड के लिए चलते हैं। दिनकर कपूर साहब ओके सर इनका अवार्ड सर तक पहुंचाया जाए। यस दिल से धन्यवाद सर आप ऐसे ही इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम करते रहे शुभकामनाएं। फरहा मैम को ये अवार्ड जाता है आपने बहुत इंडस्ट्री के लिए काम किया है आने वाले समय में भी काम करेंगी दिल से धन्यवाद। मुस्कुराइए मैम ये बात बहुत बहुत शुक्रिया। फरहा मैम जी दो शब्द कहेंगे मैम अच्छा लग रहा है मैम मुस्कुरा ही देंगी तो बहुत है। आपकी अच्छी एक्टिंग के लिए जो आप करती हैं और वाकई आप बहुत खूबसूरती से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं इस स्टेज पर दिल से धन्यवाद मैम बहुत बहुत बधाई हो। अवार्ड बहुत मायने रखता है जिंदगी में मैम। आपने इतना सब कुछ किया और आपको सबको यहाँ पर देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। मुंडे जी का बार बार फोन आ रहा था रमाकांत मुंडे जी का एक्चुअली मठ में था मैं। आइए कृष्णा जी और चूंकि आपकी मोहब्बत है हमेशा आता हूँ शुरुआत से लेके अभी तक। मेरा बेटा भी है फैयाज तो हम सब लोग वहां से मठ से शूटिंग बीच में छोड़ के आ रहा आपकी हालत कैसी हो रही। बहुत बहुत बधाई हो जिनको अवार्ड मिला और जिनको मिलने वाला तो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि ऐसे नेक काम में मैं शामिल हूँ और इसीलिए रमाकांत मुंडे जी ने कम से कम 5 से 6 बार कॉल किया मुझे अली भाई काम पूछे काम लेकिन हम लोग कमिटेड लोग हैं इसी बात कह दिया तो आते ही है। थैंक यू सो मच। क्या है ना कि इस कोरोना काल में भी जिस तरीके से लोगों ने इस अवार्ड को सक्सेस अपना जोरदार दमखम दिखाया सर और आपके आने से वाकई जी पूरा माहौल जो है बहुत ही खुशनुमा हो गया है शानदार हो गया है। और पॉइंट यंग आप भी पापा की तरह अच्छा आप प्रोड्यूसर के तौर पर हैं डायरेक्शंस में भी हैं बॉलीवुड आई सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को थैंक यू बोलता हूँ जो इतना पेशेंस से बैठी हुई है। सेकेंडली मैं कृष्णा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ कृष्णा जी को मुबारकबाद देता हूँ अवार्ड फर्स्ट टाइम कृष्णा जी के अवार्ड में कोशिश रहेगी लेकिन नेक्स्ट टाइम हमेशा आने की और पापा को हमेशा कृष्णा जी अवार्ड से नवाजते उसके लिए भी थैंक यू सो मच। इतिहास बनने जा रहा है अक्सर मैंने देखा है अपने केसीएफ की तरफ से सम...
सम्मानित करेंगे। ये बहुत बड़ा दिन है, मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, स्वागत करें। अली खान साहब जी, ये मंजर कमाल का है, खुशनुमा है और वाकई ये दिलकश नजारे, तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। विवाद क्या बात है फयाज, आपसे हम लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। आगे देखेंगे कैमरे की तरफ, जी हाँ, क्योंकि ये मंजर कैद हो रहा है कैमरे में और इतिहास रहेगा, जहां आप एक दिन बहुत बड़े प्रोड्यूसर बनकर हमारे बॉलीवुड को और आगे ले जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। बिहार में अपने गांव में पिक्चर रिलीज किया और अल्लाह का शुक्र है, पहला है जो अवार्ड था कृष्णा जी का, उसमें भी मेरा सहयोग था और दूसरे अवार्ड में भी मेरा सहयोग है। उसी के लिए दुआ कीजिए। बिहार का बच्चा आया था और उसको मैं बोला था कि मैं वोटिंग दूंगा, अब पब्लिक के सामने बोलता वोटिंग दिया, एक तो नहीं पीछे से वोटिंग मेरी, लेकिन इसका भी मेरा भी ये वादा है कि इसकी पिक्चर के लिए, बॉम्बे के लिए मैं इसको होडी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लख लख बधाइयां आपको।